भ्रष्टाचारियों का चारागाह बना भरवेली ग्राम पंचायत। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय का नाम बदले जाने का विरोध। गोंगलई से गोंदिया रोड पहुंच मार्ग बदहाल। भरवेली पंचायत में विगत दिनों एक पान ठेला को अवैध अतिक्रमण में होने का हवाला देते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच पति अनिल बिसेन ने स्वयं खड़े होकर तोड़वा दिया था, जिसकी शिकायत उक्त व्यापारी के द्वारा विधायक अनुभा मुंजारे से की गई थी, जिस पर शनिवार को विधायक अनुभा मुंजारे भरवेली पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान बाजार में सब्जी दुकानदारों के साथ सरेआम लूट होने की बात सामने आई। यहां तक कि भरवेली पंचायत के सरपंच पति भाजपा समर्थित होने के साथ साथ उनकी पंचायत में सरेआम मनमानी चल रही है। दुकानें तोड़ी गई हैं, उसमें एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि सरपंच के पति ने खड़े होकर दुकान तोड़वाया है, तो फिर क्या मतलब महिला आरक्षण का? जब पति को ही सारे काम करना है तो फिर ये महिलाएं इस तरह से चुनाव लड़के जनता के विश्वास को आघात क्यों पहुंचाती हैं? आप सक्षम बनो, अपने दम पे आप अपने काम करो, तो हम माने कि महिला सशक्तिकरण है। तो सरपंच पति जो कि अनिल बिसेन है, उन्होंने खड़े रहकर ये दोनों व्यापारी भाइयों की दुकानों को तोड़वाया और उनको आर्थिक रूप से बहुत भारी क्षति हुई है। भरवेली ग्राम पंचायत के सब्जी बाजार में, मछली बाजार, मटन मार्केट में जो व्यापारी, हमारे गरीब व्यापारी लोग अपना रोजगार चला रहे हैं, उनके से अवैध वसूली की जा रही है। और इस सब मामलों में मैं यहाँ की ग्राम पंचायत को ही दोषी मानती हूँ कि ग्राम पंचायत में भारी भ्रष्टाचार है। जिले की अग्रणी महाविद्यालय शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीजी कॉलेज को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस किया जा रहा है। 14 जुलाई को इस कॉलेज का शुभारंभ किया जा रहा है। शहर का प्रतिष्ठित उद्योगपति और दानदाता स्वर्गीय जटाशंकर त्रिवेदी के नाम से विख्यात इस कॉलेज का नाम बदले जाने का युवा नेता विशाल बिसेन और मोहम्मद यूनुस खान पप्पा भाई द्वारा विरोध करते हुए पीजी कॉलेज का नाम यथावत रखे जाने की मांग की गई है। बिसेन ने कहा कि शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाले शहर के प्रतिष्ठित त्रिवेदी परिवार के द्वारा पीजी कॉलेज की भूमि दान में दी गई है। कॉलेज में छात्रों के लिए अन्य कोर्स बढ़ाना है या सुविधा देना है तो बिना नाम बदले भी ये काम किया जा सकता है। उन्होंने जिले वासियों से इस कॉलेज का नाम यथावत रखे जाने की मांग को लेकर सामने आने की अपील की है। तो शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय का नाम बदलने जा रहा है। कल 14 तारीख को केंद्रीय मंत्री जी द्वारा प्रदेश के 55 जिलों के शासकीय कॉलेजों का नाम बदला जा रहा है और अब इनके नाम होंगे पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। मैं अभी शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के सम्मानी प्रिंसिपल महोदय का वो देखा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा कि पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस नाम होने से बच्चों को सुविधाएं मिलेगी, अनेक सुविधाएं उन्होंने बताई। मेरा कहना है सिर्फ इतना है कि कॉलेजों के नाम बदलने से सुविधाओं का कोई लेना देना नहीं। अगर शासन को बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध करानी है तो कॉलेज को एक मान्यता देकर, एक एग्रीडेशन देकर, एक ग्रेड देकर उस ग्रेड में आने वाले कॉलेजेस के बच्चों को सुविधा दी जा सकती है। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता दी जा सकती है, एक ग्रेड दिया जा सकता है, परंतु नाम कतई नहीं बदला जाना चाहिए। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और बालाघाट के सभी लोगों से मैं अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि अब जाग जाइए, इस विषय को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि आज अगर एक नाम बदला है तो कल हो सकता है कि हमारे कई महापुरुषों के नाम बदल दिए जाएं। बालाघाट स्थित डिग्री कॉलेज का नाम दानदाता स्वर्गीय जटाशंकर त्रिवेदी जी के नाम से विख्यात है और जिस व्यक्ति ने जिस मकसद के लिए अपनी भूमि दान किया है उसको उसी नाम से जाना जाना चाहिए। ये बात अच्छी है कि कॉलेज की सुविधा के लिए शासन प्रशासन उसमें हर साल कुछ नया करता है, इसका हम स्वागत करते हैं। उसका नाम प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज रखा जा रहा है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, पर जो दानदाता है उसके नाम को वहाँ से नहीं हटाना चाहिए। मेरा ये सुझाव है कि कॉलेज का नाम स्वर्गीय जटाशंकर त्रिवेदी स्मृति प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज ऑफ बालाघाट रखा जाना चाहिए, ये सबके लिए उचित होगा।
शहर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत गोंगले में गोंगले बस्ती से गोंदिया रोड पहुंच मार्ग की हालत जर्जर हो गई। सड़क से डामर उखड़ गई है और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आवागमन में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि एवं पंचों सहित ग्रामीणों द्वारा बारिश के पूर्व ही सड़क का निर्माण किए जाने की मांग शासन प्रशासन से की गई, लेकिन इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। रोड की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत खराब है। क्या इस रोड से आवागमन बहुत होता है, क्या रेलवे ओवर ब्रिज जो बन रहा है उसको देखते हुए यहाँ से आवागमन इतना बढ़ गया है कि रोड चलने लायक भी नहीं बची। मेरे गांव का प्रमुख मार्ग है आवागमन का, गोंदिया रोड से बस्ती के अंदर। मुझे काफ़ी, मेरे पंचायत को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को जनसुनवाई में भी कलेक्टर महोदय है और जिला सीओ के सामने इसकी बात रखा, PWD ऑफिस को भी रखा, PM जैसा को भी रखा, लेकिन दोनों विभाग की लड़ाई है कि PM जैसा बोल रहा है कि ये जो रोड है ये हमारा नहीं है और PW बोलता है रोड हमारा नहीं। मांगे प्रशासन से है कि इससे जल्द से जल्द कार्रवाई कर इस रोड को दुरुस्त करने का काम करे। तहसील मुख्यालय परसवाड़ा के एक निजी शिक्षण संस्था से एक बच्चे के अचानक गायब हो जाने से बच्चे के परिजनों एवं संस्था प्रबंधन के बीच माहौल गर्मा गया और बच्चों की अपहरण की रिपोर्ट पुलिस थाना परसवाड़ा तक पहुंच गई। 11 जुलाई को परसवाड़ा बीजा टोला में स्थित निजी शिक्षण संस्था विजिलेंस स्कूल परसवाड़ा के नर्सरी कक्षा में पढ़ रहे एक बच्चे लक्ष्य, उम्र 4 वर्ष, जब स्कूल छूटने के बाद शाम तक अपने घर नहीं पहुंचा तो बच्चे की खोजबीन उसके परिजनों ने आरंभ कर दी। फिलहाल बच्चे की कोई खबर नहीं मिल पा रही है। अपराधी सिकंदर सलामे जो अबैया संभाग का रहने वाला है, उसने थाना आके बताया था कि उसका 4 साल का बच्चा विजिलेंस स्कूल परसवाड़ा में पढ़ाई करता है KG1 में, जो 4 बजे घर वापस नहीं पहुंचा, जिसके बारे में स्कूल से पूछताछ किया, जो स्कूल से पता चला कि कोई अज्ञात व्यक्ति 1 से 1.5 बजे घर पर पूजा है और मैं इसके बड़े पिताओं करके बोलकर ले गया था, जिसकी रिपोर्ट पर FIR पंजीबद्ध किया। और चूँकि गंभीर मामला था और 4 साल का बच्चा था, तो इसके लिए टीम गठित करके और फिर उसकी दस्तयाबी के लिए रवाना किया गया। और स्कूल में CCTV फुटेज लगे हुए हैं, तो CCTV कैमरे से फुटेज देखा तो आरोपी जो है ग्राम अरणिया के रहने वाले हैं, प्रार्थी के दूर के पहचान के निकले, तो उन्होंने पहचान किया, उसकी तलाश की तो पता चला कि ग्राम केसा डोरा चौकी थाना रुचर अंतर्गत उसकी लोकेशन मिली, जहां से बच्चे की दस्तयाब। आगामी त्यौहार मुहर्रम और गुरु पूर्णिमा के चलते ग्रामीण थाना नवेगांव में शनिवार को शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक SDM गोपाल सोनी, नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक मिश्र, ग्रामीण थाना प्रभारी संजय ऋषिकेश्वर की प्रमुख उपस्थिति में हुई, जिसमें आगामी दिनों में आने वाले तीज त्यौहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने और पर्व को प्रेम भाईचारे के साथ मनाने सभी उपस्थित जनों और जिलेवासियों से की गई है।